दोस्तों आज हम लोग गायकी के भगवान कहे जाने वाले बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की एक सुपरहिट गीत के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस गीत को बॉलीवुड के मशहूर गायक सब्बीर कुमार साहब ने भी बहुत अपनी बेहतरीन आवाज़ में अपनी आवाज़ दी है। और ख़ास बात यह है कि उस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ने बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता देव आनंद साहब के लिए अपनी आवाज़ दिया। और दोस्तों आप लोगों को पता ही है सब्बीर कुमार साहब ने देव आनंद साहब की फिल्म में भी अपनी आवाज़ दी है। लेकिन दोस्तों आज स्पेशली मैं आप लोगों के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब का एक सुपरहिट गीत लेकर आया हूं, जिस गीत को सब्बीर कुमार साहब ने भी बहुत अपनी बेहतरीन आवाज़ में अपनी आवाज़ दी है, जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सन 1965 में एक फिल्म आई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। फिल्म का नाम है गाइड और इस फिल्म के सभी गाने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए। और इस फिल्म में गीत था, गीत के बोल हैं तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। और इस गीत को बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब ने देव आनंद साहब के लिए अपनी आवाज़ दी और संगीत एचडी बर्मन साहब ने दिया। वैसे तो इस गीत का लिरिक्स शैलेंद्र साहब ने दिया और ये गीत 60 और 70 के दशक में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ और आज भी हर किसी के जुबा पर है। लेकिन दोस्तों ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब के इस सुपरहिट गीत को सब्बीर कुमार साहब ने भी अपनी आवाज़ दी है। जी हाँ दोस्तों, इस गीत को सब्बीर कुमार साहब ने भी बहुत अपनी बेहतरीन आवाज़ में अपनी आवाज़ दी है, जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो भाई दोस्तों सब्बीर कुमार साहब के बहुत ही बेहतरीन आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत गीत जो है वो सुनते हैं। तो दोस्तों यही मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ बहुत ही बेहतरीन गीत है, जो कि देव आनंद साहब पे पिक्चराइज हुआ और इस बहुत ही खूबसूरत गीत को सब्बीर कुमार साहब ने भी बहुत अपनी दिलकश आवाज़ में अपनी आवाज़ दी है। वैसे तो यह बात आप सभी को पता ही है कि बॉलीवुड के मशहूर गायक सब्बीर कुमार साहब ने भी मोहम्मद रफ़ी साहब के तकरीबन जितने भी हिट गीत हैं सभी गीतों को अपनी आवाज़ दी है। तो दोस्तों आप लोगों को सब्बीर कुमार साहब की बहुत ही बेहतरीन आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत वो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो सब्बीर कुमार साहब से लेकर मोहम्मद अजीज साहब, सोनू निगम, विपिन सचदेवा जैसे बॉलीवुड के बहुत सारे नामी सिंगर हैं जिन लोगों ने मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को अपनी आवाज़ दी है, लेकिन ये गीत जो है वो सब्बीर कुमार साहब के आवाज़ में बहुत ही कम लोगों ने सुने हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को इस गीत के बारे में जानकारी दी जाए। तो दोस्तों आप लोगों को मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ ये बहुत ही बेहतरीन अमर गीत जो है वो सब्बीर कुमार साहब की आवाज़ में कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।